A very good afternoon to all of you. I am Shyam sir. गुरुकुल अकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जाते हैं जा रहे हैं, जो टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ वो टॉपिक कौन सा है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। वो टॉपिक है आपका नंबर सीरीज, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आपका श्रृंखला या फिर कहते हैं हम लोग श्रेणी। अब देखिए, ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हर एग्जाम में, चाहे आप बैंक, एसएससी, व्यापम या रेलवे, किसी भी एग्जाम में देखेंगे इसके पांच क्वेश्चन आते हैं। पांच क्वेश्चन से कम क्वेश्चन आपको देखने नहीं मिलते हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है किससे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नंबर सीरीज में आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, नंबर सीरीज किस तरह की होती है, कितने प्रकार की नंबर सीरीज होती है, कैसे सॉल्व किया जाता है और उनका सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है, ये बात सबको क्लियर है। तो भाई सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर से। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करना तो भूले ही नहीं। देखिए, सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, सेशन अच्छा ना लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें भाई क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या मिस्टेक्स है, ठीक है, ताकि हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो ठीक है, ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए आपके सेशन की शुरुआत करता हूँ। तो फटाफट मैं बोर्ड की ओर चलता हूँ और देखते हैं आज के सेशन में आपके लिए क्या नया लेके आऊँ। तो आपका जो सेशन है हमारा वो किसके ऊपर, नंबर सीरीज के ऊपर। तो फटाफट शुरुआत करते हैं नंबर सीरीज की, क्लियर? ओके, तो यू आर रेडी? अगर रेडी हो तो हम लोग नंबर सीरीज के लिए स्टार्ट कर दें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो किसके ऊपर है, नंबर सीरीज के ऊपर। आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है मेरा यहाँ पे किस पे, श्रेणी के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका यहाँ पे सीरीज, क्लियर? और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये मेरा टॉपिक जो है आज किसके ऊपर है, नंबर सीरीज के ऊपर टॉपिक है। और नंबर सीरीज का जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। अब देखिए, इसके पांच क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम्स अगर आप क्वालिफाई करने जाओगे, देने जाओगे, तो उसमें पांच क्वेश्चन मिलेंगे और एक मार्क्स का एक क्वेश्चन है। दैट्स वाई आपके पांच मार्क्स जो होते हैं इस नंबर सीरीज से आते हैं। अब नंबर सीरीज के टाइप्स कितने होते हैं वो पहले देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा, नंबर सीरीज तरह की रहेगी। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है दो, देन नेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे फोर, फिर मैंने लिखा है सिक्स, देन एट। और अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ तो नेक्स्ट वाला नंबर क्या आएगा, तो आप मुझे, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है टेन, एक ट्वेल्व, और मैंने ये कहा आपको यहाँ पे फिफ्टीन और नाइन, तो आप मुझे आंसर क्या करोगे, देखो कि दो से चार हो गया, चार से छः हुआ, छः से कितना हुआ, आठ हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा कि अगर फिर से मैं नया नंबर लिखूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, टेन, क्लियर है? तो ये ऑप्शन फर्स्ट की वजह से क्लियर। अब देखिए, ये जो है हम लोग इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं क्या, आपका नंबर सीरीज। तो पहली चीज हम लोग को यहाँ पे दो चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरह से आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है, उन दो चीज को क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे से नंबर सीरीज को सॉल्व करने से पहले आपको दो चीज सीखना पड़े। देखिए, पहला तो है आपको यहाँ पे कोई भी पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है, कि उस सीरीज का पैटर्न जो है वो पैटर्न क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है आपको यहाँ पे कि पैटर्न पहचानना आना चाहिए, ठीक है, पहला होता है पैटर्न। दूसरा होता है आपका यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, ठीक है, आपका कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन है, आप उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या करोगे, आप नंबर सीरीज को सॉल्व कर पाओगे। तो पहले मेरी यहाँ पे चीजें, पहला जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है आपका यहाँ पे, कि आपको कोई पैटर्न जो दिख रहा है वो देखना आना चाहिए भाई सीरीज में कौन सा पैटर्न। सेकेंड चीज, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। थर्ड जो चीज हम लोग कह रहे हैं आपका यहाँ पे कैलकुलेशन, ठीक है, एक और मैं पॉइंट की बात करता हूँ यहाँ पे, और वो पॉइंट मेरा क्या है यहाँ पे, कैलकुलेशन। तो ये तीन चीज जो है आपकी अगर बहुत स्ट्रांग है तो आप नंबर सीरीज को बहुत जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, क्लियर है बात सभी को? ओके, देखिए अगर ये चीज क्लियर है तो हम लोग नए टॉपिक पे आते हैं इसी में, कि भाई टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज क्या होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि टाइप्स क्या होते हैं आपके यहाँ पे, तो टाइप को अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो देखिए, अगर मैं बात करूँ कि टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज क्या होते हैं, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे टाइप की नंबर सीरीज है। अब नंबर सीरीज कितने टाइप की होती है वो भी देख लेते हैं, पर ऐसा एक्यूरेट नहीं हुई, मैंने 10 टाइप्स बता दिया, 10 ही टाइप की होगी, 12 टाइप्स की हो सकती है, 13, ये डिपेंड करता है कि नंबर सीरीज में बहुत सारा पैटर्न है। अगर मैं पहला देखता हूँ आपका यहाँ पे, तो पहली होती है आपकी यहाँ पे एडिशन वाली, ठीक है, एडिशन, या फिर हम लोग बोलते हैं आपका सबट्रैक्शन सीरीज, ये बस सबको क्लियर है, एडिशन और सबट्रैक्शन, ठीक। देखो कैसे, कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है थ्री, देन मैंने लिखा है सिक्स, और देन मैंने लिखा है नाइन, और फिर मैंने लिख दिया आपका ट्वेल्व। अब नेक्स्ट मुझे यहाँ बताइए कितना आएगा, तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, तीन इसमें कितना हुआ है, एट हुआ है, और तीन इसमें क्या हुआ है आपका, एट हुआ है,
फिर से कितना ऐड हुआ है, 3, और फिर से आप ऐड कितना करोगे प्लस का 3, क्लियर है, देन आपका आंसर कितना होगा 15। तो देखिए नंबर सीरीज जो एडिशन है उसको आपको पहचानने का तरीका ये है कि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस क्या होता है आपका यहाँ पे बहुत ही कम होता है, डिफरेंस क्या होता है आपका यहाँ पे कम होता है, ये बात सबको क्लियर है। अगर इनके बीच का डिफरेंस कम है तो आपको जाहिर सी बात है कि वहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन की सीरीज होगी। अब देखिए सेकंड टाइप की आपकी यहाँ पे जो सीरीज होती है उसको बोलते हैं हम लोग कौन सी, मल्टीप्लीकेशन की सीरीज। मल्टीप्लीकेशन की सीरीज कैसा हो जाएगी, देखो आपका यहाँ पे कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 3 और फिर मैंने लिख दिया आपका यहाँ पे 15, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा आपका यहाँ पे 75, और फिर मैंने वापस से एक नंबर लिख दिया आपका यहाँ पे से और 100, और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो आप क्या देखोगे इनके बीच का डिफरेंस क्या बहुत ज्यादा है, तो ये 3 का कितना गुना है आपका 5 गुना है, 15 कितना गुना है 5 गुना, तो इसका फिर से 5 गुना है आप लिखोगे यहाँ पे, तो देखिए कितना आ जाएगा आपका यहाँ 50 25, तो ये हो गया तो 5 आ गया आपका, और 35 और 2 कितना हो गया आपका 37, 375। तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे, ये क्या है जो सीरीज इनके बीच में डिफरेंस जो है वो डिफरेंस क्या है आपका बहुत ही ज्यादा है, क्लियर। अगर डिफरेंस ज्यादा है तो वो हमेशा क्या सीरीज रहेगी आपकी यहाँ पे, मल्टीप्लाई की सीरीज रहेगी, क्लियर। अब नेक्स्ट वाली सीरीज होती है आपकी, वो सीरीज को हम लोग बोलते हैं आपका स्क्वायर सीरीज। स्क्वायर या फिर कहते हैं हम लोग स्क्वायर प्लस माइनस 1, ठीक है, या कोई भी नंबर हो सकता है आपका प्लस माइनस कोई नंबर, उस तरीके से। अब स्क्वायर सीरीज कैसे रहेगी आपकी यहाँ पे, मान लो मैंने लिखा है 1, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे 4, फिर मैंने लिखा है यहाँ पे 9, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे 16, तो अब नेक्स्ट में जो क्या कहोगे आप कितना आएगा, तो देखो ये 1 जो है ये 1 का स्क्वायर है, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया आपका 3 का स्क्वायर, और ये क्या है आपका 4 का स्क्वायर, नेक्स्ट में आप कहोगे 5 का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 25 आएगा, कोई डाउट है, क्लियर। अब देखो इसमें स्क्वायर प्लस माइनस 1 कैसा होता है कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा होता आपका 2, ठीक है, फिर मैंने लिखा होता आपका 5, फिर मैंने लिखा होता 10, फिर मैंने लिखा होता आपका 17, तो अब नेक्स्ट में जो बताइए कितना आएगा, तो आप क्या कहते हैं इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं आपका 2 का स्क्वायर प्लस का 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर प्लस का 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस में 1, और यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब 26 होगा। आ रही बस में सारे लोगों को, क्लियर। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर प्लस माइनस 1, ठीक है, ये वाली सीरीज आ गई आपको नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट वाली सीरीज में फिर से चलते हैं आपका, देखो नेक्स्ट वाली सीरीज में क्या दे रखा है हम लोग को, भाई बहुत टाइप की सीरीज, इतने टाइप की सीरीज है कि आप उसका पैटर्न का पता लगाने में क्या होगा बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएगी, क्लियर। तो देखो नेक्स्ट वाली सीरीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं आपका यहाँ पे क्यूब, या फिर आपका क्यूब प्लस माइनस नंबर, ठीक है, अब भाई माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है उसमें। अब जैसे कैसे होगा आपका यहाँ पे, जिसमें लिखा है 1 और फिर मैंने लिख दिया आपका यहाँ पे क्या 8, और फिर मैंने लिखा यहाँ पे कितना आपका यहाँ पे 27, और फिर मैंने लिखा यहाँ पे 64। अब मैंने आपसे आगे पूछा हुआ है तो आप क्या कहोगे, ये क्या है 1 का क्यूब है, तो ये क्या हो रहा है आपका 2 का क्यूब है, तो ये क्या है आपका यहाँ पे 3 का क्यूब है, तो ये क्या है आपका यहाँ पे 4 का क्यूब है, तो यहाँ पर क्या लिखा होगा आप 5 का क्यूब आएगा, तो कितना आएगा 125 आएगा, क्लियर है बात सभी को। तो भाई इस तरह से हम लोग क्या कह रहे हैं आपसे कि भाई इस तरह से आपकी सीरीज जो होती है वो क्या होती है क्यूब और प्लस माइनस 1 भी हो सकता है, भाई कम भी हो सकता है इससे और अधिक भी हो सकता है, 1 या 2 कोई सब नंबर हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाली जो सीरीज होती है आपकी उसको हम लोग बोलते हैं आपका यहाँ पे एडिशन मल्टीप्लीकेशन सीरीज। एडिशन मल्टीप्लीकेशन सीरीज क्या होगी आपके यहाँ पे, जैसे किसी संख्या का गुणा भी हो रहा होगा यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है इंटू 3 प्लस 1, फिर क्या होगा आपका इंटू 3 प्लस 2, फिर क्या होगा आपका इंटू 3 प्लस 2, इस तरह से कुछ भी होगा उसमें, तो ये जो सीरीज होगी आपके यहाँ पे उस सीरीज को हम लोग बोलते हैं आपका यहाँ पे, उस सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस एडिशन सीरीज, मल्टीप्लाई प्लस सब्ट्रैक्शन सीरीज भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह सीरीज के बहुत सारे टाइप्स है। एक और टाइप हमारा यहाँ पे देखेंगे हम लोग, एक सीरीज को हम लोग बोलते हैं आपका हाफ पैटर्न सीरीज। हाफ पैटर्न सीरीज के बारे में आप लोग को अगर नई नॉलेज में बता देता हूँ, जैसे क्या होता है आपका यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा आपका 10 और फिर मैंने लिखा 5, फिर मैंने लिख दिया आपका 7.5 एंड सो ऑन एंड 12.5, इस तरह से कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, जब संख्या बड़ी होकर छोटी हो जाती है, छोटी होने के बाद फिर से बढ़ने लगती है, दैट मीन्स ग्राफ आपका घटेगा, घटने के बाद फिर से बढ़ेगा, तो इस तरह की जो सीरीज होती है उसको बोलते हैं हम लोग हाफ पैटर्न। हाफ पैटर्न का मतलब होता है कि स्टार्टिंग की जो सीरीज है उसमें कहीं ना कहीं आधे का गुणा हो रहा होगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पे भाग हो रहा है। जैसे मैंने क्या कहा आपका यहाँ पे 10 में आप क्या कहा 0.5 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा आपका 5,
ये क्लियर है बात समझ। अब पांचवे में किसका गुणा कर देता हूँ आपका यहाँ पे कि मुझे कितना आ जाए 7 पॉइंट, तो मैंने पांच में 1.5 का गुणा कर दिया तो मैंने कितना आ जाए 7.5। क्लियर है बात सभी को। तो इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं आपका हाफ पैटर्न सीरीज। क्लियर है, आ रहे क्वेश्चन। तो अब सीरीज के टाइप्स तो बहुत सारे हो गए, बहुत सारी टाइप की सीरीज भी होती है, तो अब उनको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सीरीज। अब सीरीज में हम लोग आ जाते हैं सबसे पहला क्वेश्चन में। ठीक है, ओके, यू आर रेडी? चलो क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्लियर है, आपके लिए टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ। क्लियर है, क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट, क्वेश्चन जितना क्वेश्चन हो जाए उसको सॉल्व करते चले, फटाफट उड़ाओ यार जितना जल्दी क्वेश्चंस। अभी ये जो क्वेश्चंस मैंने आज के लिए 2017-18 में जो आपके बैंक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, तो सारे क्वेश्चन मिले मेरे लिए। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करो और सीरीज को सॉल्व करने का जो तरीका है वो देखते हैं। ठीक है, ठीक, किस तरह सीरीज को सॉल्व किया जाता है। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीरीज बहुत ईजी आती है। 5 सीरीज आती है हर एग्जाम में, जिसमें सबको 4 बहुत ईजी होती है, 1 और टफेस्ट होती है। तो 4 तो आपको बनाना ही बनाना है। क्लियर है बात सभी को? ओके, ठीक है, टाइमर एंड करते। देखो क्या दिया गया, अभी आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन बहुत जल्दी करो भाई। इनके बीच का डिफरेंस क्या है, बहुत कम है। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस चेक करता हूँ इनके बीच का, तो डिफरेंस कितना हो रहा है देखो, ये माइनस का 1 है, 179-180 का, माइनस का 1 बचेगा आपका। नेक्स्ट अगर मैं इसको फिर से माइनस करता हूँ तो यहाँ पे कितना होगा आपका, प्लस का 4। फिर इसको करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो रहा है आपका यहाँ पे 6-13 में से, तो ये क्या हो गया माइनस का 27। फिर आप डिफरेंस चेक करोगे तो यहाँ पर कितना हो गया, प्लस का 16। क्लियर बात समझ। अब आगे वाली संख्या मुझे चाहिए कि आगे क्या नीचे, देखो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ, तो इसको क्या लिखोगे 1 को, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 का क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे -2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया -3 का क्यूब, और ये क्या हो गया आपका -4 का आपका स्क्वायर। क्लियर है, तो अब देखो क्यूब स्क्वायर क्यूब और स्क्वायर, देन नेक्स्ट में कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे -5 का क्यूब। क्लियर है, और -5 का क्यूब कितना होता है आपका -125। अब नेक्स्ट वाली टर्म्स हमारे पास में यहाँ पे -125, यहाँ पे क्या आएगा आपका, तो यहाँ पर अगर आप कुछ भी नंबर आएगा तो वो कितना रहेगा आपका, x रहेगा। ये बस आपको क्लियर है कि नहीं, अगर वो x है तो उसमें से आपने कितना माइनस किया आपका यहाँ पे 172, तो आपका आंसर कितना होना चाहिए, 125 होना चाहिए। ये बस आपको क्लियर है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करो, यहाँ पे इसको x मान लो, तो x माइनस 172 करोगे तो आपके आंसर में कितना आना चाहिए, -125 आना चाहिए। ये क्लियर है कि बात आपको सबको समझ में आ रही है। ठीक, अब मुझे यहाँ पे एक चीज और समझ में आ रही है यहाँ पे, कि देखो क्या आएगा आपका यहाँ पे, ये एक समझ छोटी होगी तो एक्स वगैरह कितना लिखोगे आप लोग यहाँ पे, कि उधर 172 का 172 माइनस 125 कर सकते हैं हम लोग। क्लियर, तो 12 में 5 का कितने बचेंगे आपके, 7, मतलब लास्ट वाला जो अंक रहेगा वो कितना होना चाहिए आपका, 7 होना चाहिए। तो हम लोग यूनिट डिजिट से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, ये बात क्लियर है कि सारे लोग, तो अगर आप यूनिट डिजिट से क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो हमारे लिए एक्स की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 47 हो जाएगी, देन ऑप्शन नंबर सेकंड क्या रहेगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्लियर सारे लोगों को? ओके, क्लियर, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी से क्वेश्चन को फटाफट उड़ाओ यार, जितना जल्दी हो जाए आप क्वेश्चन को उड़ाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्लियर, जल्दी जल्दी करते चलो, क्वेश्चन फटाफट करना है, जितना जल्दी हो जाए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। करो 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 क्वेश्चन करो, करते चलो क्वेश्चन को सॉल्व, है ना भाई। सीरीज है यार, सीरीज है, जितना आप जल्दी सीरीज को सॉल्व करोगे उतना ही आपका क्या रहेगा, फास्ट कैलकुलेशन होगा। राइट, जल्दी करते चलो, टाइमर्स आपको दिया गया है 30 सेकंड, वैसे 20 सेकंड का टाइमर देते हैं हम लोग, पर इस बार आपको 30 सेकंड का दिया है किसमें, सीरीज में। क्लियर है, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो। क्लियर, ओके, टाइमर एंड करते। देखिए अभी आपको संख्या जो दिख रही है इनके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर डिफरेंस ज्यादा नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन लगाऊंगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, देखो कि अगर आप 19 में 16 को माइनस करते हो तो कितना बचेगा यहाँ पे, 3। क्लियर है, अब यहाँ पे आप कितना देख रहे हो, 11। फिर नेक्स्ट में कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे, 57-30 गए तो कितने बचेगा आपके, 27। क्लियर है बस सभी को, आ रहे हैं उसमें कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट वाले में जाओ, 6 में 7 गए मतलब कितना हो जाएगा आपका, 1। ठीक है, मतलब क्या हो गया, सॉरी 16 में 7 गए कितने बचेंगे आपके यहाँ पे, 9। ये कितने हो गए आपके यहाँ पे, 9। नेक्स्ट में आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 59। अब यहाँ पे मुझे एक नंबर और चाहिए, तो अब ये नंबर जो आपके पास आए हैं इनमें तो कोई आपको यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट लग ही नहीं रहा है, लग रहा है कि किसी को, ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो नेक्स्ट में हम लोग सॉल्व करते। देखो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप लोग देखोगे तो इनमें डबल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, 3 और 11 कितने का अंतर है आपका यहाँ पे, तो आप कहोगे यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 8 का है। ठीक है,
नेक्स्ट फिर से सॉल्व करो, 27 में 11 जाएंगे कितने बचेंगे आपके यहाँ पे, तो 27 में अगर आप 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 16। अब नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर फिर है, तो आपके यहाँ पे नेक्स्ट में कितना हो जाएगा 32। क्लियर? अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया यहाँ पे कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। देखो कि ये जो सीरीज है 8, 8 × 16, 8 × 3, सॉरी नेक्स्ट में क्या हो रहा है आपका, देखो कि 8 × 1 करें फिर कितना हो गया, 8 × कितना हो गया आपका 2, फिर कितना हो गया आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कितना आपका यहाँ पे इसका 4, मतलब कि क्या हो रहा है 1 times, 2 times, 4 times, और यहाँ पे कितना हो जाएगा नेक्स्ट में आपका यहाँ पे, इसको अगर सॉल्व करोगे इन दोनों के बीच का यहाँ पे, तो एक नंबर ऐसा होगा जिसमें यहाँ पे कितना होगा 64। क्लियर है? क्योंकि 8 × क्या लिखूंगा मैं 8, या फिर आप कह सकते हो इनका डबल ये 16 है, 8 का 16 कितना है 32, 32 का डबल कितना है 64 है। क्लियर है? अगर यहाँ पे 64 आया, यहाँ पे 59 है, तो यहाँ पे एक नंबर बताओ जो कौन सा होना चाहिए, तो आप क्या करोगे इस 59 और 64 को प्लस करोगे, तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो नंबर क्या होगा मेरे पास, एक नंबर यहाँ होगा, फिर नेक्स्ट यहाँ पे दे, तो आप दोनों ने इनको प्लस किया तो 6, 9 और 4 कितना हो गया 13 का, यहाँ पे 3 आएगा। क्लियर? 6 और 6 कितना हो गया 12। अब 123 आना चाहिए, तो यहाँ पर एक ऐसी क्या संख्या होगी, तो आप 116 में से 123 क्या करो जोड़ दो, तो 6 और 3 कितना हो गया 9। अगर यहाँ पे 9 आएगा तो 9 वाला ऑप्शन कौन सा है मेरे पास, ये वाला ऑप्शन। ठीक है? तो यूनिट डिजिट से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, तो इसको और आगे सॉल्व करोगे तो कितना 239। क्लियर है? आ रही बस हमने सबको, तो ये डबल डिफरेंस का क्वेश्चन था, इसको मैं कह सकता हूँ आपको कौन सा, ये डबल डिफरेंस क्वेश्चन, डबल डिफरेंस की सीरीज है। कोई डाउट है क्या सारे लोगों को? क्लियर है सारे लोगों के लिए? ओके, दिस वेरी गुड, अगर सारे लोगों को क्लियर है तो ठीक। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। हो गया क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है ना, क्वेश्चन सॉल्व करते चलो जल्दी जल्दी, फटाफट करो, जितना जल्दी हो जाए उतने क्वेश्चन को उड़ाते चलो बस। क्लियर है? आज क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, जितना क्वेश्चन आप बना सकते बनाओ, रियली आई एम टेलिंग यू। भाई देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, आप जितने क्वेश्चन ज्यादा करोगे सीरीज के कम से कम 250-300 क्वेश्चन बनाओ, मैं 500 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आपको, पर आप भी ट्राई करो कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो। क्लियर? जल्दी जल्दी करो क्वेश्चन, फटाफट बनाओ, कितना जल्दी आप बनाते हो, करो 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 करो, कोई डाउट थोड़ी, करते चलो यार क्वेश्चन को, बना रहे क्वेश्चन सारे लोग, जल्दी से बनाओ। ओके, टाइम्स ऐड करते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, अभी नंबर में क्या है ज्यादा डिफरेंस नहीं, तो 152, 156 कितने का डिफरेंस हो रहा है आपका यहाँ पे, तो आप कहोगे सर ये +4 का डिफरेंस है। क्लियर? अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 156 40, ये कितना, और आपका यहाँ पे ये माइनस का मैं कितना लिखता हूँ इसको 16, कोई डाउट है क्या? क्लियर है सारे लोगों को? नेक्स्ट वाले को अगर मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पर, तो ये क्या हो रहा है आपका 76 और 41 है, तो 6 तो ये हो गया आपके यहाँ पे, और कितना बचेगा आपका 36। क्लियर है? तो ये प्लस का 36 हो गया। नेक्स्ट वाले को और सॉल्व करते हैं, 176 और 12, तो क्या होगा आपका माइनस का, तो अल्टरनेट क्या हो रहा है माइनस प्लस तो ही सही। अब यहाँ पे 6 में से 2 गए तो कितने बचेंगे आपके यहाँ पे, 4 बचेंगे, तो इसको लिखोगे आप कितने 4। अब यहाँ पर कितना हो गया 17 में 6, मतलब कि ये 17 में से 11 गए तो यहाँ पे कितने बच गए 6, कोई डाउट है? अब नेक्स्ट वाला मुझे यहाँ पे चाहिए, तो ये नंबर जो है ये तो मेरे बहुत ही पहचाने से, ये 4 लिखा है 16 36 64, तो आप क्या कहोगे इसको कि देखो अगर मैं इसको लिखता हूँ तो ये क्या है आपका 2 का स्क्वायर है, तो ये क्या लिखा गया आपका यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, तो ये क्या है आपका यहाँ पे 6 का स्क्वायर है, तो ये क्या है आपका 8 का स्क्वायर है, नेक्स्ट कितने का आएगा आपका यहाँ पे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 100, और प्लस माइनस तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। क्लियर है? अब यहाँ पे 100 है तो यहाँ पर क्या होगी एक ऐसी संख्या होगी जिसमें क्या होगा लास्ट में इसको एड करोगे तो यहाँ पे कितना होगा 212। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या रहेगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट है? सीरीज को तो वैसे उड़ाओ यार, है ना, हलवा है जैसे, पर ठंडा करके खाना ही है उसको, तो जल्दी जल्दी से करते जाओ क्वेश्चन को। क्लियर सारे लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो नए वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, सॉल्व करो, करते चलो फटाफट, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपका, ठीक है, मुझे केवल आपका यहाँ पे लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए, और आप कुछ ज्ञान प्राप्त लेके जाओ। ठीक, डाटा खर्च हो रहा है मुझे, आपका पता है कि आपका डाटा बहुत वैल्यूबल है, पर आपका जितना डाटा वैल्यूबल है उतना समय भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए टाइम का भी यूटिलाइज करो। ठीक, प्लस सब्सक्राइबर तो हम लोग को देना ही है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो सेशन अच्छा लगे तो, इससे ज़्यादा हमारी कोई उम्मीद नहीं है। प्लस एक और उम्मीद है कि आप कुछ अच्छा सा मोटिवेट होकर कुछ अच्छा काम करो। क्लियर? फटाफट करते जाओ क्वेश्चन जल्दी से, जितने जल्दी क्वेश्चन हो जाए उतने अच्छा है, करो 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 फटाफट करो। हो गया सारे लोगों का? चलिए ठीक है, टाइमर एड होता है आपका,
अब देखिए फिर से मैं क्या कह रहा हूँ कि इन संख्याओं के बीच का अंतर जो ज्यादा नहीं है, अगर अंतर ज्यादा नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो आप पहले मुझे यहाँ पे डिफरेंस निकाल के दो। तो अगर आपने डिफरेंस निकाला यहाँ पे कितना हो गया, देखो 23 और 18 कितने का हो गया, प्लस का 5, कोई डाउट ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस निकाल के दो तो यहाँ पर कितना हो गया 36, तो 6 तो इधर के हो गए आपके, 7 ही हो गए, 6 और 7 कितने हो गए आपके प्लस के 13, कोई डाउट। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कितना हो गया आपका ये 20, 13 किसके प्लस के। अब आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 12 में 6 कितना बच गया आपका 6, और यहाँ पर सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2, तो प्लस का 26 हो गया। अब नेक्स्ट वाली संख्या मुझे चाहिए, तो ये जो नंबर्स हैं ये नंबर तो मुझे कुछ खास दिख नहीं रहे, दिख रहा है क्या किसी को? तो एक बार डिफरेंस और निकालते, एक बार डिफरेंस और निकाला, 13 में से 5 गए कितने बच गए आपके यहाँ पे, तो 8 बच गए ठीक है। 13 में से 20 गए कितने बच गए आपके यहाँ पे, 7 बच गए। फिर यहाँ पे कितना हो गया आपका, 6 हो गया। अब नेक्स्ट वाला जो नंबर रहेगा वो यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, तो आपको सीरीज बिल्कुल समझ में आने लगेगी। 8, 7, 6, अब क्या रहेगा यहाँ पे 5। अगर यहाँ 5 है तो 26 में क्या जोड़ेगी 5 हो जाए, एक इसमें घटा लें तो 26 में 5 अगर आपने जोड़ा है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 31। क्लियर, कोई डाउट है क्या? अब यहाँ पर अगर आपका 31 हो तो यहाँ पर क्या नंबर आएगा, तो 2 और 1 कितना हो गया आपका 3, और ये कितना हो गया आपका यहाँ पे 113। कोई डाउट है क्या? ठीक, तो 113 कौन सा ऑप्शन में आपका यहाँ पे, सेकंड वाले। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? फटाफट बताते जाओ, कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। सीरीज कौन सी होगी आपके यहाँ पे, डबल डिफरेंस। क्लियर है, तो डबल डिफरेंस की आपकी सीरीज है, कोई डाउट? आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक, चलिए सारे लोगों को समझ में आ गया यहाँ पे डबल डिफरेंस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा आपका। ठीक है, आपका टाइम पे स्टार्ट होता है राइट नाउ। क्वेश्चन फटाफट करो यार, जितना अच्छा क्वेश्चन करोगे उतना ही क्या होगा आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। और टाइमिंग का तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, तो आप टाइमिंग के साथ चले, जितना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बट एक्यूरेट, जल्दबाजी में गलती भी नहीं करना है, फटाफट करो यार। टाइमर एंड होने पर है, क्योंकि टाइमर मैंने 20 सेकंड का सेट नहीं किया 30 का, तो वैसे 20 सेकंड होने चाहिए सीरीज में, पर 30 सेकंड सेट किया गया, पर 30 सेकंड में आप ट्राई करो। हो रहा है क्वेश्चन, फटाफट करो यार, जल्दी से उड़ा दो वैसे ही क्वेश्चन को, कुछ खास है नहीं है ना। और लाइक और कमेंट्स तो ठोकते जाओ यार जल्दी जल्दी। ठीक, जल्दी से, ओके चलिए, टाइमर आपका एंड होने पर क्वेश्चन की शुरुआत कर दीजिए। इस वाले क्वेश्चन में आपको एक बहुत अच्छा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब कभी भी सीरीज बढ़ने के बाद क्या हो जाए, घटने लग जाए, और घटने के बाद फिर से क्या हो जाए, बढ़ने लगे, मीन्स ग्राफ आपका घटेगा, घटने के बाद फिर क्या होगा आपका, बढ़ेगा। तो इस तरह का जब भी पैटर्न रहेगा, इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं आपका कौन सा, हाफ पैटर्न सीरीज। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? हाफ पैटर्न सीरीज में क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पे, कि इसमें इंटू जो रहेगा वो कितने का होगा आपका यहाँ पे, 0.5 का, आधे का इंटू करोगे पहली वाली संख्या में, उसमें प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। क्लियर है, तो हाफ पैटर्न सीरीज की सबसे बड़ी पहचान है कि संख्या बड़ी होती है फिर छोटी होती है, छोटी होने के बाद फिर से बढ़ने लग जाती है। क्लियर है, आ रहे हो समझ में? ओके, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते देखो क्या क्वेश्चन दिया गया। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि 22 है मेरे पास, और 22 मैंने इंटू कितना कर लिया 0.5 का, तो कितना हो गया अभी 11, और 11 मैंने माइनस 1 किया तो मुझे कितना मिल गया यहाँ पे 10। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या यहाँ पे 10 है, 10 मैंने इंटू कितना कर लिया आपका 1 का, तो 10 कम कितना हो गया, 10 कम कितना हो गया 10। क्लियर है, माइनस मैंने कितना कर दिया आपका 2, तो यहाँ कितना बचेगा आपका अब 8। और फिर मेरे पास क्या है 8 है, अब 8 में इंटू किसका करें 12 मिल जाए, फिर ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, तभी तो माइनस होगी कोई संख्या। तो 8 में इंटू किया आप लोगों ने 2 का, माइनस कितना कर दिया 4, तो आपको मिलेगा यहाँ पे कितना 12। क्लियर है सारे लोगों को? बोर्ड मार्क्स सभी ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट वाले आ जाओ, अगर यहाँ 12 है तो 12 के इंटू में कितनी बार करूंगा 4 बार, माइनस कितना करूंगा 8, तो 12 × 48 माइनस 8 करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका यहाँ पे 40। कोई डाउट है? अब 40 से आप आगे बढ़ोगे तो 40 इंटू में कितना करना चाहिए, तो आधे का दुगुना 1, 1 का 2, 2 का 4, 4 का कितना करोगे इंटू 8 का, और माइनस कितना करोगे आप लोग 16, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे नेक्स्ट में 32, 320, 320 माइनस आप 16 करोगे तो 300 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो नंबर होगा आपका कितना होगा आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन में थर्ड क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर सारे बच्चों को हाफ पैटर्न का? एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं हाफ पैटर्न सीरीज के ऊपर, आपको फटाफट उड़ा देना है बस विद इन सेकंड। क्लियर, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, पेपर स्टार्ट हो गया है, चलो क्वेश्चन बनाते चलो यार जल्दी जल्दी, करो करो क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन हाफ पैटर्न सीरीज के क्वेश्चन है, क्यों क्वेश्चन हाफ पैटर्न का है, क्योंकि आप
आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं संख्या बढ़ने के बाद घटने लग गई, घटने के बाद फिर से बढ़ने लग गई। क्लियर है बात सभी को? ठीक, तो फटाफट क्वेश्चन पास आओ, सॉल्व करते हैं फटाफट क्वेश्चन पास आओ जल्दी से, करो करो करो, कुछ बच्चे तो आंसर करते हैं, चलो जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन में। ठीक, आपका टाइमर एड होता है राइट नाउ। अब देखो मैंने क्या कहा, ये संख्या बढ़ी है फिर घट गई, घटने के बाद फिर से बढ़ने लग गई, इसका मतलब क्या हो गया, ये हाफ पैटर्न सीरीज है। अगर ये हाफ पैटर्न सीरीज है तो हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं क्या करता हूँ आपका कि 6 में इंटू करता हूँ मैं कितने का आपका यहाँ पे आधे का, तो 6 में इंटू किया मैंने 0.5 का तो 3 हो गया, 3 में प्लस 1 करोगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 4, कोई डाउट है क्या? अब 4 में इंटू मैंने किसका कर लिया आपका यहाँ पे 1 का, 4 एकम 4 प्लस 1 करोगे तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा आपका 5, कोई डाउट? अब 5 का मैं इंटू किस में करता हूँ आपका नेक्स्ट में, 10 में 5 दिन कितना हो गया 10 प्लस का 1 करोगे तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 11। ठीक है, अब 11 है, 11 में किसका इंटू करना चाहिए हम लोगों को, तो आधे का दुगुना 1, 1 का 2, 2 का कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4, और प्लस का क्या करते रहे जा रहे हम लोग 1 ऐड करते जा रहे, तो यहाँ पर कितना होगा आपका नेक्स्ट में 45, कोई डाउट है क्या? अब 45 से हम लोग कितना चाहिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे 45 मेंशन करता हूँ तो क्रॉस चेक कर लेते 45 से 361 आ रहा है कि नहीं, तो नेक्स्ट में हो जाएगा आपका 45 इंटू कितना होगा 8 और प्लस का 1, 360 प्लस 1 मतलब कितना होगा 361, कोई डाउट है? तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कीजिएगा 45 ऑप्शन नंबर थर्ड में है, ये बिल्कुल ही क्या है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कोई डाउट है क्या किसी बच्चे को? आई थिंक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, आ रही बात समझ में? क्लियर सारे लोगों को? फटाफट बताते जाओ अगर क्लियर है तो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर, आई थिंक क्लियर है, ओके तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ, करो फटाफट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, उड़ाओ उड़ाओ जल्दी से उड़ाओ क्वेश्चन। सीरीज के मेरे 4 सेशंस होने वाले हैं, इसके बाद मैं 3 सेशंस और लेने वाला हूं, ठीक है, जिसमें मैं एसबीआई क्लर्क और पीओ में जितने क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन का एक सेशन रहेगा मेरा, इसके अलावा एक सेशन मेरा उन सारे एग्जाम्स का है जो पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए और उनमें सीरीज पूछी गई है, ठीक है, और एक सेशन में मिसलेनियस लूंगा जिसमें रॉन्ग नंबर सीरीज को लूंगा मैं, ठीक है, हो सकता है मैं आपका यहाँ पे उसके बाद में, ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज को हम लेंगे बस, करो 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 फटाफट करो। अच्छा, आपका टाइमिंग एंड होता है यार, चलो देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, इस क्वेश्चन को 2 पैटर्न आप करोगे सॉल्व तो हो जाएगा, देखो 6 का 3 है मतलब क्या है इसका, ये आधा है, ठीक है, अब आगे देखोगे 12 का 6 है मतलब क्या है, ये 0.5 है इसका, अब 24 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 0.5, अरे वैसे सीरीज में सब कुछ हो सकता है। दूसरे तरीके से अगर आप देखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, अब फिर से मैंने सॉल्व किया 6 का कितना हो गया यहाँ पे 2 गुना, 12 का कितना हो गया आपका यहाँ पे 2 गुना, ठीक है, 3 का कितना हो गया यहाँ पे 2 गुना, अरे वसन, तो अब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे तो 6 का फिर से कितना हो जाएगा, यहाँ पे करोगे तो 6 का कितना होगा 2 गुना, दैट मीन्स कितना होगा 12 ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, तो क्लियर सारे लोगों को? आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर जल्दी से बोलो क्लियर, ओके चलो क्लियर है, यस यस करते जाओ यार, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पास फटाफट करो क्वेश्चन को, जितना जल्दी हो जाए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना ही है, ठीक, करो करो करो, टाइमिंग वेस्ट हो रहा है आपका। अच्छा, पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल पे आपका कौन सा है हम लोग का, मैथ्स बाय श्याम सर, मैथ्स बाय श्याम सर, इस वाले चैनल पे आप, ये टेलीग्राम का हमारा चैनल है, आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ की आप टेंशन ना करें, पीडीएफ आपको मैथ्स बाय श्याम सर वाले चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है, किस पे, टेलीग्राम पे, क्लियर, ओके, अगर आपका टाइम क्वेश्चन हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व करते देखो, चलो देखो क्वेश्चन पे आ जाओ, मैंने क्या कहा यहाँ पे इनके बीच में जो डिफरेंस कुछ खास तो दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, 13 में से 21 या 21 में से 13 गए थे यहाँ पे कितने बचेंगे आपके 8, कोई डाउट है? यहाँ पर कितने बच रहे हैं आपके यहाँ पे 16, यहाँ पर कितने हो गए आपके यहाँ पे 32, और अब कितना आना चाहिए यहाँ पे 8 दून 16, 16 दून 32, 32 दून कितना आना चाहिए 64, अगर यहाँ 64 होगा तो यहाँ पे कितना होगा 128 होगा, क्लियर, तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा आपका यहाँ पे कि 69 और 64 कितना होता है आपका यहाँ पे 133, अगर यहाँ पर 133 क्रॉस चेक कर लो, 11 में 3 गए 8 बज गए, ठीक है, 25 में 13 गए 12 बजे, ओके करेक्ट है, तो नेक्स्ट में आपका आंसर कितना होगा 133, 133 कौन से ऑप्शन में आपका, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है, तो 4 आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्लियर है, ये क्या था आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई की सीरीज थी, मल्टीप्लीकेशन सीरीज थी, ठीक है, किसका और आपका दुगना, अरे बस सारे लोगों को क्लियर है,
ओके वेरी गुड, सारे लोग क्लियर है। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, जल्दी जल्दी करते जाओ क्वेश्चन को, फटाफट क्वेश्चन, ठीक, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें। कल से मेरा एसबीआई का भी वापस से एक और सीरीज स्टार्ट है आईबीपीएस वाली, आईबीपीएस या फिर एसबीआई दोनों को मिक्स करके चलेंगे एक सेशन उसका भी लेंगे। करो 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 फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करके चलो, जितना जल्दी हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करो, है ना, टाइमिंग का बहुत बड़ा इश्यू होता है एग्जाम में। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। करो करो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करो यार, हो रहा है सारे लोगों को, आई थिंक बन रहे होंगे क्वेश्चन, करते चलो क्वेश्चन। चलिए टाइमिंग एंड होता है आपका। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, इनके बीच में आपको डिफरेंस ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, अगर डिफरेंस ज्यादा नहीं है तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, यहाँ कितना हो जाएगा ये प्लस का 4, यहाँ पर कितना हो गया आपका ये माइनस का 9, यहाँ पे कितना और आपका प्लस का आपका यहाँ पे 16, फिर कितना और आपका माइनस का यहाँ पे कितना हो गया 11 में 6 गए, मतलब 36 में 11 गए, तो मैं इसको कितना लिखता 25। तो अब आपको ये नंबर जो है ये तो बहुत ही जाने बजाने लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं देखो कि 4 जो है ये कहीं ना कहीं आपका 2 का स्क्वायर है, और ये जो है आपका क्या है 3 का स्क्वायर, और ये जो है आपका 4 का स्क्वायर, तो इसको बोलेगा आप 5 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट में कितना होगा आपका 6 का स्क्वायर, अब वो क्या लिखोगे आप लोग 36 लिखोगे, और प्लस में होगा या माइनस में, तो आप कहोगे सर वो तो प्लस में होगा, क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है आपका, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपको 11 है तो यहाँ 36 है, यहाँ पर मैं 47 लिखना पसंद करूंगा, ठीक, 47 में से 11 गए कितना आएगा 36, तो ऑप्शन नंबर मेरा फर्स्ट रहेगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो ये सीरीज फिर से किसकी हो गई आपकी, यहाँ पे स्क्वायर, और वो भी क्या है आपका यहाँ पे प्लस माइनस वाली। क्लियर है बात, समझ में सभी को आया, सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए, ठीक, क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है, इसके लिए टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ। इसमें तो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में कि आप क्वेश्चन कहोगे कि सर वाह क्या क्वेश्चन लेके आए, गजब क्वेश्चन था, एक लाइक तो बना बनता ही है यार। करो करो क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो, करते चलो फटाफट क्वेश्चन को, जल्दी से करते चलो क्वेश्चन सॉल्व, आ जाए आंसर तो आप कमेंट में टाइप करते रहना, फटाफट करो यार, नहीं हो रहा है, आई थिंक कुछ बच्चों का तो हो गया है, चलो ठीक है, टाइमिंग एंड करते हैं, आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। देखो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा है यहाँ पे, भाई 40 से ये 90, भाई आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सर ये तो 50 हो गया, यहाँ पे आप कुछ और लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ और लिखोगे तो यहाँ पे कुछ और, तो ये तो ना तो डिफरेंस की सीरीज है ना ही मल्टीप्लाई की, फिर क्या है, तो फिर क्या है, तो वो हम लोग लिखना चाहेंगे। अभी देखो अगर मैं इस संख्या को ऐसे लिखूं कि भाई मैंने क्या लिखा, इसको इसको आप चेंज कर दो, 40 लिखा है तो इसको मैं क्या लिख दूं आपका 04 लिख देता हूँ, इसको मैंने लिखा 09, इसको मैंने लिखा क्या यहाँ पे 16, यहाँ पर मैंने कितना लिखा इसको 25, फिर मैंने लिखा इसको कितना 36, मैं सामने नंबर का क्या किया इंटरचेंज। अब ये नंबर आपके बहुत से पहचाने बिछाने कैसे आपके यहाँ पे कि ये है 2 का स्क्वायर है, तो ये कहोगे कि 3 का स्क्वायर है सर, तो ये कितने का आपका 4 का स्क्वायर है, तो ये तो सर मुझे पता है 5 का स्क्वायर है, तो ये सर आपको भी पता है 36 है जो 6 का स्क्वायर है, तो अब आप नेक्स्ट में सर मुझे बता दो कि 49 जो होगा ये आपका यहाँ पे ये कितने का होगा आपका 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 49 लिखोगे आप लोग, तो 49 अगर यहाँ पे आया है तो यहाँ पे आप मुझे बताइए कौन सा नंबर होगा, तो भाई आपका यहाँ पे 9 अगर आया है तो 13 यहाँ पर है, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें से आपने माइनस किया होगा इसको। क्लियर है कि नहीं बात सभी को, आई थिंक क्लियर, ओके अगर ये क्लियर है तो अब इसको देखते हैं आपका नेक्स्ट में क्या आएगा देखो। ओके सो सॉरी एक थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस प्लस का भी डिफरेंस, ठीक है, ये क्या हो गया आपका यहाँ पे 40 और ये कितना हो गया आपका यहाँ पे 04 और ये 6, ये 25 और ये कितना हो गया आपका 36, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया 49। क्लियर, अब 49 जो है तो आप इसको क्या लिखोगे यहाँ पे, इसको थोड़ा सा आप उल्टे तरीके से लिखोगे, तो देखो अगर आप में 49 है तो मैं इसको क्या लिखूंगा आपका 94, कोई डाउट है क्या किसी को, भाई जब हम लोग 63 जो है उसको 36 लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 49 का अगर आप लिखोगे तो कितना होगा 94, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या रहेगा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाए। क्लियर है सारे बच्चों को, आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक। आज का सेशन कैसा लगा, ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन था, कमेंट्स में जरूर बताएं, अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो भूलें, भाई कुछ भी करो वो लाल वाला जो बटन है आपको नीचे दिखाई दे रहा है उसको तो प्रेस कर ही देना है, चाहे डंडे से करो, हथौड़े से करो या अपनी उंगली से करो, पर वो तो प्रेस करना ही है, ठीक है। सेशन कैसा लगा ऊपर जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक, आपके कमेंट का वेट रहेगा, मिलते कल नए सेशन में नए क्वेश्चन के साथ, आज के लिए बस इतना ही,
थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।